मैं मीनल हाथीकर एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो आइए आज की कुछ खास खबरें देखते हैं हेडलाइंस के साथ। भाजपा मध्य प्रदेश में विधानसभा, जय नारायण विश्वविद्यालय छात्र संघ मामला, लोगों की सेहत से खिलवाड़, भारी मात्रा में मावा जब्त। भाजपा ने मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में ही पार्टी ने एमवी की 230 में से 177 सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा कर दी, जिससे राजस्थान चुनाव को लेकर भी यही प्रयास लगाए जा रहे हैं कि अमित शाह पहली लिस्ट में ही 2/3 प्रत्याशियों की घोषणा कर देंगे। जय नारायण विश्वविद्यालय के छात्र संघ 2018 का मामला अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब एबीवीपी के प्रत्याशी मूल सिंह ने निष्पक्ष जांच के लिए कोर्ट जाने का फैसला लिया है। मैं मूल सिंह अभी हाल में विश्वविद्यालय के छात्र संघ का चुनाव लड़ा था अध्यक्ष पद का। मुझे विश्वविद्यालय ने 9 वोटों से चुनाव हरा दिया था। उसके बाद मैंने विश्वविद्यालय को शिकायत भी की थी, शिकायत बाद गिरीश कमेटी में की। उसके बाद में किसी प्रत्याशी ने मेरा नामांकन खारिज करने की भी शिकायत की थी और मेरे गिरीश कमेटी ने मेरे नामांकन भी खारिज किया। उसके बाद मैंने विश्वविद्यालय कुलपति को अपील भी की। उसके बाद अपील करने के बाद विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति प्रोफेसर गुलाब सिंह जी ने मेरी अपील को स्वीकार करते मेरा नामांकन वैध माना और उन्होंने जो मैंने 30 बिंदु दिए थे उन्होंने 30 बिंदु वापस अपील में विश्वविद्यालय कुलपति ने नकार दिया। उसी के साथ मुख्य मुद्दा तो ये था मेरा चुनावी खर्च का, किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी प्रत्याशी में अभी तक समय सीमा के अनुसार निश्चित समय सीमा में किसी ने भी चुनावी खर्च का ब्यौरा नहीं दिया। विश्वविद्यालय के संविधान के अनुसार, राजस्थान के राज्य सरकार के संविधान के अनुसार और लिंग दो कमेटी के संविधान के अनुसार निश्चित रूप से उसमें लिखा हुआ है कि जो प्रत्याशी 2 हफ्ते के अंदर 2 सप्ताह के अंदर यदि अपने खर्च का ब्यौरा नहीं दे रहा है तो स्वतः वो उम्मीदवारी उनकी निष्प मानी जाएगी। और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि किसी उम्मीदवारी की किसी प्रत्याशी को शिकायत करने की जरूरत नहीं है, ये विश्वविद्यालय प्रशासन अपने स्तर पर उसे स्वतः निष्प कर देगा। लेकिन अब विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय साहब और फरमा रहे हैं कि हमारे को आपने शिकायत नहीं की। जो उनकी समय सीमा 11 तारीख को चुनाव खत्म हुए, 2 हफ्ते का समय 25 तारीख को खत्म हुआ, 28 तारीख को विश्वविद्यालय के मैंने विश्वविद्यालय को अप्लीकेशन दे दी थी कि आप इन प्रत्याशियों ने अभी तक किसी तरह का कोई चुनावी खर्च नहीं दिया है। उसके बाद में 3 तारीख को विश्वविद्यालय के तत्कालीन पूर्व कुलपति डॉक्टर राधेश्याम जी शर्मा ने अवधेश शर्मा को डायरेक्शन दिए थे कि इन पर आप कार्रवाई करो। उसके बाद वर्तमान कुलपति कह रहे हैं कि आपने अभी तक कोई शिकायत ही नहीं दी। ये एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है वर्तमान कुलपति किसी समाज में दबा हुआ है। अब जो विश्वविद्यालय के चुनाव को संबंधित लेकर चुनाव दानली हुई उसको लेकर मैं कोर्ट जाऊंगा और साथ में जो अभी खर्चे का ब्यौरा है वो हमने एक बार विश्वविद्यालय को रिमाइंडर करा दिया है। कुलपति को आज मैंने रिमाइंडर करा गया हूँ कि आप एक तरफा कार्रवाई मत करो, आप किसी समाज में दबो मत, आप एक इस खुशी का आप न्याय करने के लिए खुशी दी गई है, न किसी आपके समाज के किसी बड़े मतलब आप किसी दबाव, ये कोई समाज का चुनाव थोड़ी है, ये यहाँ छात्रों का चुनाव है। आप एक तरफा कार्रवाई करो, एक छात्र को बार बार उसी पर नियम वो डेल रहे हो, अध्यक्ष बन गया क्या हुआ, तो आप उसको खारिज नहीं कर सकते हो, नियमों में लिखा हुआ है, डर क्यों किस बात का आपको। दिवाली का त्योहार नजदीक आने के बाद से स्वास्थ्य विभाग की चुप्पी अब कार्रवाई में बदलती नजर आ रही है। शहर में बन रही मिठाइयों और खाने पीने की वस्तुओं की गुणवत्ता को जांचने के लिए शुक्रवार को भी कार्रवाई की और भारी मात्रा में मावा जब्त किया। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।